आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाथ पैर एवं सिर के जलन के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हाथ पैर एवं सिर में जलन क्यों होता है यह बताया था और इसका इलाज बताया था। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट के द्वारा ये पूछा कि हम लोग को बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, उसके बाद भी हमारे सिर में या हाथ पैर में जलन होता है तो यह क्यों होता है। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मेरे शरीर के पूरे आधे भाग में जलन होता है। तो इन सब सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि मुझे बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, फिर भी मेरे सिर में जलन रहता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे हाथ पैर और सिर में या पैर के तलवों में या पंजों में जो जलन होता है उसका मुख्य जो कारण होता है वो होता है थायराइड, बीपी का बढ़ा होना, शुगर का बढ़ा हुआ होना, विटामिन B12 की कमी, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, या बहुत लंबे समय से बीमार रहना या बहुत लंबे समय से बुखार रहने से टाइफाइड वगैरह के कंडीशन में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो यदि आपको बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को नर्व का प्रॉब्लम है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या न्यूरेलजिया या विटामिन B12 की डिफिशियंसी इत्यादि कारण हो सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं है, आपको बुखार जैसा लग रहा है तो टाइफाइड का जांच कराएं, टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है। यदि आप किसी बीमारी की वजह से लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों की जांच कराएं। यदि बहुत लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो दवाई को यदि संभव हो तो बंद कर दें तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यदि आपको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं तो ये जलन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। या आप विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स वाली जो दवाई आती है जैसे कि न्यूरोकाइन प्लस वगैरह ये ले सकते हैं, साथ में कैल्शियम की टेबलेट ले सकते हैं तो ये जलन की समस्या ठीक हो जाएगी। यदि टाइफाइड है तो टाइफाइड का इलाज कराएं। जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मेरे केवल सिर में, सिर के ऊपरी हिस्से यानी वर्टेक्स में जलन होता है, अत्यधिक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि कारण से हो सकते हैं। तो इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह करिए या फिर अच्छे से जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनको दिखाइए। यदि बुखार है तो फिर बुखार का टाइफाइड मलेरिया वगैरह की जांच कराएं, टाइफाइड मलेरिया वगैरह की कंडीशन में भी इस तरह के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। सभी सब्सक्राइबर के कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं होता क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ। मैं केवल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आपके सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।